जैसे कि आप सबको पता है कि आज 10 मार्च है और 10 मार्च को झारखंड के युवाओं के द्वारा, झारखंड के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, झारखंड के सभी शिक्षकों के द्वारा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, सभी लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि आज हम लोग झारखंड में डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। आज ट्विटर कैंपेन का योजना बनाई गई है और इस ट्विटर कैंपेन को लेकर के झारखंड के युवाओं ने एक निर्णय इसलिए लिया हुआ है कि दरअसल बीते कुछ दिन पहले झारखंड सरकार के द्वारा एक नई नियोजन नीति 2021 पारित किया गया था और उसको हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त भी किया गया था। उसमें हम लोगों ने मांग किया था, झारखंड के युवाओं ने, बुद्धिजीवी वर्गों ने और सभी छात्र नेताओं ने मांग किया था कि दरअसल जो भी त्रुटियां उस नियोजन नीति में है, जो मैट्रिक इंटर वाली बाध्यता है, जो भाषा की बाध्यता है, उसको आप समाप्त कर दीजिए और झारखंड के युवाओं के लिए वही नीति रहने दीजिए। लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं किया। सरकार ने नई नियोजन नीति को ना लागू करके उन्होंने कहा है कि हम पुरानी नियोजन नीति 2016 से पहले वाली लागू करना चाहते हैं, जिसमें कट ऑफ जो है 1985 है। खैर, कट ऑफ 1985 रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन उसमें 60 और 40 का एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया गया है। दरअसल 60% सीटों पे झारखंड के मूलवासी आदिवासी जो आरक्षण के आधार पे उन चीज़ों सीटों को सुरक्षित किया गया है, लेकिन वहीं जो 40% सीटें हैं उन सीटों पे ओपन टू ऑल किया गया है। यानी कि कोई भी झारखंड से बाहर का युवा हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे साउथ का हो या तो फिर नॉर्थ का हो, हर कोई उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगा। यानी अगर हम एक शब्द में अगर ये बात बोलेंगे छोटी मोटी शब्दों में, तो आज जो है वहाँ पे बाप जो है नियोजन के नाम पे झारखंड में घुसेगा 40% में, और कल जो है उनके बेटा जो है 60% में यहाँ पे आके राज करेगा कि हमको भी आरक्षण दीजिए, हम झारखंडी हैं। 20 साल के बाद वो खुद दावा करेगा और हम उस चीज़ को झुठला भी नहीं सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए झारखंड सरकार से मेरी ये मांग है, झारखंड के युवाओं के द्वारा मांग है कि आज हम लोग डिजिटल स्ट्राइक एंड ट्विटर कैंपेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हर हाल में नियोजन नीति पसंद नहीं है। झारखंड सरकार से ये खास अपील है कि वह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए झारखंड में एक ऐसी नियोजन नीति लागू करें जो आने वाले समय में यहाँ के मूल वासियों के लिए हित में हो। आप जब 2016 से पहले का 1985 कटअप दे रहे हैं तो 85 कटअप सबके लिए नियमित रूप से लागू होना चाहिए, अन्यथा झारखंड के युवा कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आज हमारे ट्विटर कैंपेन को लेकर के आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो आने वाले कुछ दिनों के बाद एक तिथि निर्धारित करके हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।